फ्रेंड्स, प्रसून की पॉकेट के साथ बने रहने के लिए थैंक यू। नेशनल पेंशन स्कीम का ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो है। अभी तक आपको क्या होता है, टैक्स कैलकुलेशन क्या है, कौन कौन से स्कीम्स हैं वो पता लग चुके हैं। अब ओपन कैसे करें, मैंने आपको बताया था देयर इज टू ऑप्शन, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन में POP मिलेगा, ऑनलाइन में नोडल ऑफिसर मिलेगा। आपको पता नहीं चलेगा बट नोडल ऑफिसर मिल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन दो ऑप्शन है, मोबाइल वेब। वेबसाइट पे जाके करेंगे CRA_NSDL.com, लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरा, नेशनल पेंशन स्कीम का अपना सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऐप, मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड ऐप आपको मिल जाएगा। आप दोनों में से किसी पे कर सकते हैं। आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आधार कार्ड, आधार नंबर, एक्चुअली कार्ड होने की कोई जरूरत नहीं है, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कैंसिल चेक, चेक की जगह पासबुक का मेन पेज भी चलेगा, कोई इशू नहीं होगा, गवर्नमेंट में हो तो। कैंसिल चेक है तो उसमें आपका नाम प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है, एंड आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, एक वाइट पेपर पे आप अपना साइन कीजिए, उसका फोटो क्लिक कीजिए, 415 KB के अंदर JPG फॉर्मेट। आप साइट पे जाओगे, अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर डालोगे, दोनों पे अलग अलग दो OTP आएंगे, एंड OTP पुट करके आगे बढ़ोगे तो दोनों चीजें वेरीफाई हो गई, हाँ इस पर्सन की ईमेल आईडी और फोन नंबर फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए है। आधार नंबर डालोगे, आपका सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, वो चीजें आधार नंबर से आ जाती है। देन आप उसमें नॉमिनी डिटेल एंड आपका फंड मैनेजर कौन सा रहेगा, स्कीम कौन सी रहेगी, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मॉडरेट चाहिए, लो चाहिए, हाई रिस्क चाहिए, तो वो सब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अपनी अकाउंट्स डिटेल देनी होंगी, आपका पैन नंबर डालना होगा, उसके बाद आप उसको सबमिट पे करेंगे तो रिव्यू का ऑप्शन आएगा। रिव्यू के ऑप्शन में आपके पास हर जगह एडिट का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है आप कर सकते हैं। नॉमिनी एक से ज्यादा डाल सकते हैं, अगर आपका नॉमिनी इज माइनर तो गार्जियन की जरूरत पड़ती है, आपको गार्जियन का नाम मेंशन करना पड़ता है, गार्जियन की डिटेल्स भी देनी पड़ती है। अगर आपका नॉमिनी इज नॉट माइनर तो आप सिर्फ नॉमिनी डाल सकते हैं, जैसे मैंने दो नॉमिनी किए तो आई हैव टू डिसाइड द परसेंटेज 70-30, एक नॉमिनी किया है टोटल 100% नीचे लिख देंगे तो उसको ही 100% मिल जाएगा। एंड आप रिव्यू करोगे फॉर्म एंड सबमिट कर दोगे वीडियो उसको, एंड उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट का UPI, QR कोड, नेट बैंकिंग, NEFT, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, कार्ड इज ऑल्सो अ ऑप्शन। तो UPI आपको पता है, पेटीएम करते हो, फोन पे करते हो, गूगल पे करते हो, QR कोड वो जो दुकानों पे लगे होते हैं जो स्कैन करके पेमेंट की जाती है। इनिशियली आप ऑनलाइन ओपन कर रहे हो तो आपको एक अमाउंट आपको कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है, तो एक मिनिमम अकाउंट डिपॉजिट करना है, एंड उन मिनिमम अमाउंट को डिपॉजिट करने के बाद आपको पे स्लिप जनरेट हो जाती है, एज वेल एज मैसेज और मेल भी आ जाता है, क्योंकि आपका मोबाइल और फोन नंबर अटैच हो चुका है, एक PRAN नंबर जनरेट हो जाता है जो आपका रिटायरमेंट का नंबर है, परमानेंट रिटायरमेंट का नंबर हो जाता है। एंड अगर आप एम्प्लॉयर चेंज करते हो, सेल्फ मतलब एज एन बिजनेसमैन अपना ही कॉन्ट्रीब्यूशन था, अब एम्प्लॉयर पे जाती हूँ, या पहले एम्प्लॉयर ने पेंशन स्कीम खुलवाई थी, अब मैं खुद उसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो PRAN नंबर सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, आप उसको कैसे भी रेगुलेट कर सकते हो। एंड यू गेट द स्लिप PRAN नंबर, PRAN नंबर फ्यूचर के लिए आप सेव करके रख लीजिए, एंड आपका NPS ओपन हो चुका है, इजी 5 मिनट्स टास्क इज देयर। हाँ, बट दिस 5 मिनट्स टास्क कैन प्लान योर रिटायरमेंट। अगर आप एक साल से ज्यादा या कुछ पैसा साल भर नहीं डाल पाते हो तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। रीएक्टिव कराने के लिए जितने ड्यूज हैं, अरियर्स हैं, जितने साल के आपने अमाउंट नहीं डाला है उसको डिपॉजिट करा दोगे तो आपका अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो या उसका कंटेंट या क्लियरिटी थोड़ा NPS पे आया होगा। कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर ज़्यादा क्वेरी हुई तो आई विल मेक अ वीडियो, अदरवाइज मैं इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूंगी। प्रसून की पॉकेट के साथ बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, एंड जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही प्रसून की पॉकेट के साथ बने रहिए।